आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना द्वारा रिलीज की गई एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके तहत भारतीय वायुसेना 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ऑफिशियली इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से जब भी कोई सिस्टम अक्वायर किया जाता है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिना RFI के आप किसी भी तरीके का सिस्टम अक्वायर नहीं कर सकते। RFI रिलीज करने के बाद में उसके रेस्पॉन्सेस को स्टडी किया जाता है, उसके ऊपर एक गैप एनालिसिस और एक क्रिटिकल रिव्यू होता है, फिर उसके बाद क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बनाए जाते हैं, नेसेसिटी डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन उसके बाद शुरू होता है, फिर सर्विस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का अप्रूवल आता है और फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का अप्रूवल आता है। इन सभी अप्रूवल्स के बाद में ये प्रपोजल पहुंचता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कमेटी के पास में, जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहा जाता है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देती है, उसके बाद वेंडर्स को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा जाता है। अगर सिस्टम खुद बनाया जाना होता है तो फंड्स ग्रांट किए जाते हैं और फिर प्रोटोटाइप बनाया जाता है, नहीं तो डायरेक्टली टेक्निकल इवैल्यूएशंस होती हैं, फिर कमर्शियल नेगोशिएशन होती है, उसके बाद CCS का अप्रूवल आता है और CCS के अप्रूवल के बाद में एक फाइनल नेगोशिएशन होने के बाद फाइनल डील साइन हो जाती है और उसके बाद आप पेमेंट और डिलीवरी देखते हैं। अगर आप इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर एक नए तरीके के सिस्टम को अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है और ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन काफी ओपन रखा गया है। यहाँ पर किसी भी तरीके का इंडिकेटर नहीं दिया गया है कि क्या ये सिस्टम देश में निर्मित होना चाहिए या फिर एक इम्पोर्टेड सिस्टम देश में असेंबल किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इंडियन वेंडर्स से ये सिस्टम खरीदा जाएगा, लेकिन अगर इंडियन वेंडर्स किसी फॉरेन OEM के साथ में मिलकर ये सिस्टम भारत में असेंबल करना चाहें तो वो भी इस RFI को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। आइडिया है कि 6 ऐसे सिस्टम्स अक्वायर किए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट के 36 मंथ्स के बाद में पहला सिस्टम डिलीवर हो जाना चाहिए। वहीं अगर पूरे 6 यूनिट की डिलीवरी की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट से 60 मंथ्स के अंदर ये पूरे के पूरे सिस्टम भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने चाहिए। देखिए, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसकी वैलिडिटी को यहाँ पर मेंशन किया जाता है और इस RFI में इसकी वैलिडिटी 18 महीने की मांगी गई है, यानी कि अगर RFI से RFP पहुंचते भारतीय वायुसेना को 18 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है तो ये RFI में दी गई इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं होगी। और इसी वजह से ये चीज मैं लगातार कहता हूँ कि जितनी भी RFI ओपन है और उनको 18 महीने या 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जैसे कि MRFA या LHD रिक्वायरमेंट, इन सभी RFI का अब कोई मतलब नहीं बचता है। अगर सेनाओं को इन प्रपोजल्स को आगे बढ़ाना है तो प्रोसेस वापस से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर भारतीय वायुसेना जो सिस्टम देख रही है उसमें अगर एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसके पास में 8 घंटे की एंड्योरेंस होनी चाहिए, 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्रूज स्पीड 0.7 मार्क तक की होनी चाहिए। वहीं अगर प्राइमरी रेडार की बात की जाए तो ये 360 डिग्री कवरेज वाला रेडार होना चाहिए, यानी कि हमारा फेमस हेडली। इसके अलावा अगर वेंडर प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट दे सकता है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर खुला रखा गया है। अगर रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम मांगा गया है जिसकी रेंज 550 किलोमीटर हो, ऐसे एयरक्राफ्ट के खिलाफ में जिसकी RCS 5 मीटर स्क्वायर की हो। इनफैक्ट आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो की रेंज भी 500 किलोमीटर से ज्यादा की मांगी गई है। उसके बाद वही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, रेडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर बेस्ड एक्टिव लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर और शाफ्ट्स एंड फ्लेयर्स के साथ साथ यहाँ पर एक्सपेंडेबल डिकॉयज भी मांगे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेत्रा एवैक्स 3D रेडार है। इस नए RFI के साथ में भारतीय वायुसेना एक 4D रेडार अक्वायर करना चाहती है। वहीं अगर एयरबस A320 की बात की जाए तो इनकी एंड्योरेंस लगभग 6 घंटे की है और वो पैसेंजर मोड में, यानी कि नेत्रा 2 की एंड्योरेंस 6 घंटे से कम की होगी। यहाँ पर भारतीय वायुसेना एक ऐसा सिस्टम देख रही है जिसकी एंड्योरेंस 8 घंटे से ज्यादा की हो और उस हिसाब से एयरबस A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूज नहीं किए जाएंगे। प्रैक्टिकली यहाँ पर कहा जा सकता है कि कुछ समय पहले DRDO की तरफ से एयरबस A330 के ऊपर जो AWACS बनाया जाना था उसके रिवाइव होने के चांसेस बढ़ गए हैं और यहाँ पर मोस्ट लाइकली DRDO के पास में 5 से 6 साल का समय होगा इस सिस्टम को पूरी तरीके से बनाकर रियलाइज करने के लिए। देखिए, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्रिएट की गई है जो आमका जैसी कैपेबिलिटी के साथ में आएगी। वैसे शाम तक हम लोग एक और वीडियो करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इस समय भारतीय वायुसेना के AWACS और फ्यूचर AWACS को लेकर क्या प्लान्स हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ ले डाउन करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।